वेलकम बैक टू निशाज रेनबो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। अभी लगभग 8 बजे हुए हैं और अभी मैं अपने डिनर प्रिपेयर करने जा रही थी, तो मुझे लगा ये कुछ खास है, डेली से हटके है थोड़ा, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और मेरे यहाँ ये बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी और बच्चों को भी, मुझे खुद भी बहुत ही पसंद है हम लोगों को बाटी चोखा। तो चोखा एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बनाते हैं और चोखा बनाना मैंने उनसे ही सीखा है, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो और बाटी जो सत्तू होता है, सत्तू भर करके मसाले वाला मसाला तैयार करते हैं और वो हम जैसे कचौरियाँ भरते हैं ना, उस टाइप से उसकी बॉल्स बनाते हैं और वो बॉल्स को ही सेकते हैं। तो अगर नहीं मन होता है बाटी का तो वो हम बेलकर पराठे जैसे बनाते हैं, वैसे भी बना लेते हैं तवे पर, लेकिन आज सबका मूड है बाटी चोखे का, तो चोखे की तैयारी मैंने कर ली है। मैं अपने हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आकर बना दें इसको, क्योंकि मुझे लगता है उनका हाथ लगते बिल्कुल जादू हो जाता है और इतना गजब का बनता है चोखा कि हम लोग सब फैन हैं उनके चोखे के। तो मैं बाटी बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड से चोखा बनवाऊंगी, तो मैं दोनों ही चीज़ें आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। एक्चुअली प्रिपरेशन मैंने कर ली है क्योंकि थोड़ा सा आज तबीयत सही नहीं लग रही है, तो मैंने प्रिपरेशन थोड़ी कर ली है और इसका बाटी का मसाला भी तैयार कर लिया है, सारी चॉपिंग वगैरह करके रख ली है, तो बस फटाफट बनाएंगे। देखिए मैंने अपना एयर फ्रायर लगा दिया है और मैं इसको अब प्री हीट पे लगा दूंगी और ये 180 डिग्री पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट पे चालू कर दिया है। तो बाटी मैं इसमें बनाऊंगी और चोखे की देखिए मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए बैगन बॉईल कर लिया था मैंने और ये मैश पोटैटो है, यहाँ पे ये प्याज चॉप करके रख ली है, गार्लिक है, ये 3 टमाटर है, प्याज तो 2 हैं और यहाँ पे देखिए पास से दिखा देती हूँ मैं, अदरक मिर्च और ये हरा धनिया, यहाँ पे है। ये बाटी बनाने के लिए आटा बना लिया था मैंने, थोड़ी देर इसको रख भी दिया, सेट हो गया है अब ये। इसमें अजवाइन और नमक थोड़ा सा डाला था। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी सत्तू ले लिया है, इसमें 2 मिर्च हैं, 50 ग्राम अदरक, 5 से 8 कली लहसुन की है, धनिया पत्ती है, 2 नींबू डाला है, स्वाद अनुसार नमक है और इसमें सरसों का तेल मिला लिया है। तो ये मसाला मैंने प्रिपेयर करके रख लिया है, तो अब मैं आपको बनाना दिखाऊंगी इसको कि कैसे बनाते हैं। कच्चा तेल तो हम थोड़ा सा अपने भरते में भी चोखे में भी मिलाएंगे, क्योंकि कच्चा तेल डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और नींबू भी पड़ेगा जो अभी मैंने रखा नहीं है यहाँ पर, और ये 3 टमाटर जो मैंने लिए हैं ये आँच पर गरम करके इनको पील आउट कर लिया है, इनका छिलका निकाल के और इनको बारीक चॉप कर लिया है, तो इस तरह से टमाटर यूज़ करना है। सुनिए सारी प्रिपरेशन हो गई है वहाँ पर चोखे की, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, बना दीजिए। आइए फिर मैं बाटी तैयार करूँ, जल्दी लेट हो जाएगा फिर। यहाँ पे हमने बड़ी थाली ले ली है और इसमें आलू ले लिया है, ये पूरा आलू फोड़ ले रहा है अच्छे से, क्योंकि गर्म में ही मैंने मैश कर दिया था इसलिए जो है थोड़ा स्टिकी हो गया है। और इसमें ये उबला हुआ बैगन है, आप बैगन को भून भी सकते हैं बट मेरे बच्चों को स्वाद नहीं पसंद है भुने हुए का, तो मैं बॉईल करके यूज़ कर लेती हूँ।
और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है सारी चीज़ें, ताकि वो आपस में एक सार हो जाएं। अभी यहाँ पे ये जो हमने तीन प्याज चॉप करके रखे थे, दो सॉरी, तो ये हमने डाल दिया है इसमें। और अभी ये सारे टोमेटोज ऐड कर दिए। अभी यहाँ पे ये सारा गार्लिक, इनको भी छोटे पीसेस में काट लिया है। और यहाँ देखिए मिर्ची डाल दी है अभी इसमें, और अब ये अदरक ऐड कर दिया है। अब ये धनिया मिक्स कर दी, हम इसको अच्छे से चला लेंगे। ओके, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा आप खाते हो नमक, तेज़ या कम। मैं सेंधा नमक हमेशा यूज़ करती हूँ खाने में, तो वही ऐड हो रहा है चोखे में। और थोड़ा सा ये कच्चा सरसों का तेल है, ये लगभग 2 चम्मच है, 2 छोटे चम्मच है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है गाइस, तो चोखे में ये ज़रूर ऐड करिएगा जब भी आप बनाइए। और यहाँ पे नींबू हमने डाल दिया है इसमें। लगभग 1.5 नींबू हमने डाला था इसमें। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरा, सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के और अच्छे से मिला लिया है। मेरे पास धनिया की, अरे इसकी लहसुन की हरी पत्तियाँ थी जो हमारे टेरेस गार्डन में हुई हैं, तो वो भी मैं थोड़ी बारीक काट कर दे रही हूँ। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। तो अभी यहाँ पे देखिए इसको भी ऐड कर दिया है, और हमारा चोखा बिल्कुल तैयार हो गया है। और मैं फटाफट बाटी की प्रिपरेशन शुरू करती हूँ, उसको बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए मैंने आटे की लोई ले ली है छोटी सी, जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं लगभग उतनी बड़ी है। और इसमें बीच में थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेंगे ताकि हम अपनी फिलिंग इसमें भर सकें। और क्योंकि बाटी बनानी है इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है कि बेलना वगैरह नहीं है, बस इसके बनाकर इसके बॉल्स बना के हमें भर के रख लेने हैं। तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बनेगा, एक दिखा देती हूँ फिर मैं और तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। लगभग 1.5 चम्मच तक इसमें मैंने फिलिंग डाल दी है। बस कोशिश करिए कि बाटी फटे नहीं, वरना जब भी आप उसको सेकेंगे ना तो उसका मसाला निकल जाएगा। लोग इसको तेल में रिफाइंड में भी तल के खाते हैं, देसी घी में भी, बट ये जो भुनी वाली होती है सबसे अच्छी तो आग में सिकी वाली होती है। बट कहाँ हम लोग आग जलाते बैठे रहेंगे यहाँ, तो ये मॉडर्न तरीका है बाटी बनाने का। तो एयर फ्रायर में बना रही हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको। एयर फ्रायर मैंने प्री हीट कर लिया है गाइस, और वो अभी भी धीमे धीमे चल रहा है। तो इस तरीके से मैं और बाटी तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको इसमें सेक कर दिखाऊँगी कि बाटी कैसे तैयार होती है। देखिए मैंने यहाँ पे 7-8 बाटी बना ली है, और अब मैं इसको आपको सेक के दिखाऊँगी कैसे लगाना है इसको इसमें। अभी यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है मैंने, और गाइस केयरफुली यूज़ करिए क्योंकि ये हाथ भी जला देगा, ये काफ़ी गर्म हो जाता है। तो मुझे तो अंदाज़ा लग गया इसलिए मैंने यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए अंदाज़ा है। अदरवाइज़ कोशिश करिए चिमटे से या किसी चीज़ से इसको पकड़ कर ही करिए। और यहाँ मैंने अगेन इसको सेट कर दिया है 15 मिनट पे, लेकिन बीच बीच में मुझे इसको चेक करते रहना पड़ेगा कि ये कितना हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ ज़्यादा हो जाए एक तरफ कम हो जाए, तो ये देखते रहना है बीच बीच में उठा के मुझे इसको। अभी देखिए फूलने लगी है बाटी, और यहाँ देखिए मैंने इसको पलटा है तो हल्का सा गुलाबी कलर आ गया है इसमें, जो कि इसके पहचान है कि अब ये पक रहा है, पकना शुरू हो गया है।
अब इसको हम वापस से फिर लगा देंगे और ये अच्छे से पक जाएगी। अभी भी देखिए 5 मिनट बाकी है और ये देखिए दूसरी तरफ से बिल्कुल ये होने लगी है अच्छे से, क्योंकि फटने लगी है। फटेगी ऐसे कि इसके मसाला बाहर नहीं आएगा, बट जो अंदर तक हीट जा रही है ये उसकी पहचान है। जो बाटी फट गई है उसका मतलब है कि वो अंदर तक हीट जा रही है। और गाइस देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के, ये बाटी मेरी तैयार हो गई है और इधर ये बगल में चोखा है। तो अब हम अपना डिनर इन्जॉय करेंगे। तो गाइस मैंने ये बाटी चोखा की रेसिपी आपसे शेयर की है और आप इसको बनाइएगा और इसका स्वाद बताइएगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कि आपको कैसा लगा। ज़रूर आपको बहुत पसंद आएगा और इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। ये आप अपने गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं अगर वो पसंद करते हैं। वैसे ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। बहुत ही यम्मी बनती है बाटी चोखा, बहुत ही यम्मी। तो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका भी इंटरेस्ट आए, आप भी इसको पसंद करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में अपनी फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और यहाँ पे एक आपको सब्सक्रिप्शन के पास बेल आइकन होगा, वो आप हिट करेंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। तो प्लीज़ दोस्तों अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।